नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। मिराकुलस मेडिटेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आशा की किरण कार्यक्रम में एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत है। आज की कहानी बाम्बू ट्री के ऊपर है, जिसको हम हिंदी में बांस का पेड़ भी बोलते हैं। एक बार दोस्तों क्या हुआ कि एक फार्मर होता है, जो किसान है, वो मार्केट में गया और अलग अलग पेड़ों के बीज को लेके आया। घर में जब पहले दिन सारे बीज जब साथ में थे, तब वो आपस में बातें करने लगे। अरे वाह, कल हम जमीन में जाएंगे और बहुत ही जल्दी हम बड़े बड़े पेड़ बनने वाले हैं। इस तरीके से सारे बीज आपस में बातें करने लगे, बड़े खुश थे। अगले दिन जो वो फार्मर है, वो सारे बीजों को लेकर जमीन में बो दिया और पानी डाल दिया। अब सारे बीज बहुत खुश थे जमीन में पहुंचकर और आपस में बातें करने लगे। एक हफ्ते के बाद जितने भी बीज थे, वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंकुर के रूप में बाहर आए। दोस्तों, ये सारे बीजों में एक बीज था, बांस का बीज, बाम्बू ट्री का बीज। एक हफ्ता हो गया, फिर भी वो बाहर नहीं आया। तो बाकी जो पेड़ों के बीज, वो बोले, अरे इस बाम्बू को क्या हुआ, ये बाहर नहीं आना चाहता क्या? ऐसा बोलकर सभी बाम्बू पे हंसने लगे। फिर दोस्तों 6 महीना हो गया, ये सारे छोटे छोटे जो अंकुर थे, वो छोटे छोटे पौधे हो गए। फिर भी वो जो बाम्बू का बीज था, वो बाहर नहीं आया। फिर से वो जो आसपास के छोटे छोटे पौधे थे, वो हंसने लगे। ये तो बाहर नहीं आएगा, इसकी बस की नहीं है, ये तो जमीन में ही रहेगा। 1 साल हो गया दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पौधे थे, वो बड़े बड़े पेड़ जैसे दिखने लगे, हरियाली हो गए। फिर भी हमारा जो बाम्बू का बीज था, वो जमीन में ही था, वो बिल्कुल बाहर नहीं आया। अब तो वो सारे पेड़ मिलकर देखे कि देखो हम तो कितने बड़े हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये देखो बाम्बू, कुछ भी इसका तो बस की बात नहीं है, ये तो कभी आएगा ही नहीं बाहर इस जन्म में। तो दोस्तों अब 1 साल पूरा हो गया, 2 साल में ये पेड़ जितने भी थे और बड़े हो गए और सुंदर लगने लगे। आपस में फिर से ये लोग बात करने लगे, अरे ये अपने बाम्बू साथी का क्या हुआ, शायद वो बिल्कुल सो गया है जमीन में, उसका मन नहीं कर रहा है बाहर आने में, ऐसा करके और हंसने लगे। 3 साल हो गया, सारे जो पेड़ थे बहुत कद में ऊंचे हो गए और सुंदर और घने हो गए, फिर भी हमारा जो बाम्बू का बीज है, वो बाहर नहीं आया। 4 साल हो गया दोस्तों, सारे पेड़ों पे फल और फूल आने लगे, बहुत सुंदर लगने लगे, फिर भी हमारा जो बाम्बू का पेड़ है, उसका कोई अता पता नहीं था। सभी आपस में बातें करने लगे, अरे एक अपना था ना बाम्बू वाला साथी, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, वो शायद इस जन्म में तो बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से बातें करने लगे। दोस्तों 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। बाम्बू का जो बीज था, उसको सब भूल गए, वो है या नहीं। 5 साल बीत गए दोस्तों, सारे पेड़ अपने अपने जीवन में मस्त हो गए। जैसे ही 5वां साल पूरा हुआ, छोटा सा अंकुर, वो जो बाम्बू का बीज था, उसमें से बाहर आया। सभी लोग जो आसपास में पेड़ थे, वो बोले, अरे ये तो निकला बाहर, इतने साल लिया, 5 साल के बाद बाहर आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आए तो सही, करके सब लोग हंसे। अब धीरे धीरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो बाम्बू का बीज है, एक हफ्ते में 10 फीट तक ऊंचा हो गया। वो देख के तो आसपास के सारे पेड़ एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ। फिर 1 महीने में तो वो 30 फीट तक हो गया। फिर धीरे धीरे दोस्तों 6 हफ्तों के अंदर अंदर 90 फीट की ऊंचाई तक हमारा ये जो बाम्बू का पेड़ है, बड़ा हो गया, इतना सुंदर और इतना ऊंचा। इसकी जो स्पीड है, उसको देखकर सारे आसपास के जितने भी पेड़ थे, वो आश्चर्यचकित हो गए, वो लाजवाब हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था।
इसके बाद दोस्तों कुछ ही दिनों में एक भयंकर तूफान आया। जब तूफान आया दोस्तों तो कुछ पेड़ तो जड़ से उखड़ के बाहर गिर गए और कुछ पेड़ तो टूट गए, पर जो हमारा बाम्बू ट्री है वो बिल्कुल आराम से सीधा खड़ा रहा, उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर जो आसपास के पेड़ थे वो शर्मिंदा हो गए और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि देखिए हमने आपका जो ताकत है उसको नज़रअंदाज किया, आज इतने बड़े तूफान में आपको कुछ नहीं हुआ, आप इतनी मजबूती के साथ इस तूफान में खड़े रहे, इसका मतलब है कि आप में बहुत ताकत है और हम लोग कमज़ोर थे, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी ताकत का राज क्या है, क्या आप बताएंगे? तब जो बाम्बू का पेड़ है वो शांति से जवाब देता है, आप लोगों को लग रहा है कि मुझे बड़ा होने में सिर्फ 6 हफ्तों का समय लगा, नहीं ये सच नहीं है। जिस दिन आप लोगों के साथ मुझे भी ज़मीन में बोया गया था उसी दिन से दोस्तों मैं पहला काम मैंने क्या किया कि ये जो ज़मीन है क्या इतनी मजबूत है कि मुझे रख सकती है, ये मैंने पहचाना। पता चला कि ये ज़मीन इतनी मजबूत नहीं है कि मुझे रख सके। और दूसरा मैंने ये चेक किया कि क्या इस ज़मीन में पानी है, तो ये दोनों में कमी होने के कारण मैंने अपनी जड़ों को इतना गहरा पहुंचा दिया कि जहां पानी था वहां तक मेरे जड़ पहुंच गए और पानी का इंतज़ाम मैंने किया, और मैं ज़मीन की इतनी गहराई में चला गया कि कितना भी तूफान आ जाए मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 5 साल मैं ज़मीन के गहरे अंदर फैल चुका था, मैं अंदर से काम कर रहा था, मैं अंदर से बड़ा और मजबूत हो रहा था, और सिर्फ 6 हफ्तों में आपने मुझे देखा कि मैं कैसे जल्दी जल्दी बड़ा हुआ। जितना मेरा जो जड़ है वो गहरे गए ज़मीन में उतनी ही मैं ऊंचाई पर जल्दी बड़ा हो पाया। तो यही राज है दोस्तों कि मैंने 5 साल अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम किया, इसीलिए आज मैं तूफान का सामना कर पाया और जल्दी बड़ा हो गया 6 हफ्तों में। यह बात सुनकर सारे जो आसपास के पेड़ थे उनको भी एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी लंबाई और बाहरी सुंदरता नहीं, अंदर की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। इस बात पे सब लोग सहमत हुए। दोस्तों तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि सिर्फ बाहरी मजबूती नहीं, हमारे जीवन में अंदर से मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जीवन की हर कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाए। दूसरी बात हमें यहाँ पे ये सीखनी है कि जैसे बाम्बू के पेड़ के आसपास के जितने भी पेड़ थे उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनका विश्वास कम कर रहे थे, उसी तरह हमारे जीवन में भी दोस्तों बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमें ताना मारते हैं, हमारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमें बाम्बू पेड़ की तरह मजबूत रहना है, अपने विश्वास को बरकरार रखना है। तो दोस्तों इस कहानी का मुख्य सार इतना ही है कि हमें लगातार हमारे अंदर की मजबूती पे काम करना है। अगर हम मजबूत अंदर से होंगे तो बहुत आसानी से हम अपनी बाहरी दुनिया में सफलता को पा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।